नमस्कार विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे और आज का अध्याय पढ़ने के लिए उत्साहित होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान का अध्याय घर्षण। अध्याय प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, आशा करता हूँ कि आप उनके उत्तर दे पाएंगे। पहला प्रश्न, बच्चों वैसे तो किसी भी प्रकार का कूड़ा या करकट हमें सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, परंतु आपने अपने बड़ों से ये अवश्य सुना होगा कि केले के छिलके को कभी भी सड़क पर ना फेंकें। तो क्या आप बता सकते हैं वह ऐसा क्यों कहते हैं? सही जवाब बच्चों, केले के छिलके पर पैर पड़ने से आप फिसल सकते हैं। तो बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि केले के छिलके पर पैर पड़ने से आप कैसे फिसल जाते हैं? तो आप कहेंगे केले का छिलका फिसलनदार होता है और उसकी अंदर की सतह चिकनी होती है। अच्छा, अब मैं आपसे एक और प्रश्न करता हूँ। यदि मैं आपको कहूँ कि आप एक चिकनी सतह पर चलें या एक खुरदरी सतह पर चलें, तो आप बताइए आप कौन सी सतह पर आसानी से चल पाएंगे? इसका जवाब भी सही है कि हम खुरदरी सतह पर आसानी से चल पाएंगे, क्योंकि चिकनी सतह पर तो हम फिसल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि खुरदरी सतह पर हम आसानी से कैसे चल पाते हैं? तो बच्चों इसका उत्तर है घर्षण। आज के अध्याय में हम घर्षण के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करेंगे। आज के अध्याय में हम सीखेंगे घर्षण बल, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य, घर्षण को बढ़ाना या घटाना, लोटनी घर्षण, तरल घर्षण आदि। आइए बच्चों सबसे पहले घर्षण बल किसे कहते हैं इसके बारे में समझ लेते हैं। बच्चों आपने सामान्य रूप से देखा होगा कि ड्राइवर ट्रैफिक सिग्नल पर अपने वाहन को मंद कर लेते हैं। इसी प्रकार आवश्यकता होने पर आप भी अपने साइकिल की ब्रेक लगाकर उसे मंद कर लेते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है, जब उस पर कोई बाहरी बल भी नहीं लग रहा, अंत में वह रुक ही जाती है। बच्चों क्या आपने लुढ़कती हुई गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते हुए देखा है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम इस अध्याय को पढ़ने के बाद खुद ही जान जाएंगे। घर्षण बल क्या है इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे। एक मेज पर लकड़ी का बड़ा टुकड़ा रखकर उसे धीरे से धकेलिए। आप देखेंगे कि कुछ दूरी तक जाकर यह रुक जाएगा। अब इसे दूसरी दिशा में धकेलो, आप देखोगे कि यह फिर कुछ दूरी तय करने के पश्चात रुक जाएगा। इसका अर्थ है कि लकड़ी के टुकड़े की गति को रोकने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है। बच्चों यही बल वह घर्षण बल है। हमने देखा कि यदि बाईं दिशा की ओर बल लगाते हैं तो घर्षण बल दाईं दिशा की ओर कार्य करता है, लेकिन यदि आप दाईं दिशा पर बल लगाएंगे तो घर्षण बल बाईं दिशा की ओर कार्य करेगा। दोनों स्थितियों में घर्षण बल लकड़ी के टुकड़े की गति का विरोध करता है। इस प्रकार बच्चों घर्षण बल लकड़ी के टुकड़े तथा मेज के पृष्ठों के बीच कार्य करता है। संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच में सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। अब बच्चों जान लेते हैं घर्षण बल के प्रकार के बारे में। घर्षण बल तीन प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटन घर्षण। आओ बच्चों घर्षण बल के प्रकार के बारे में जानें। मान लीजिए आप अपने घर में पड़े किसी सोफे को गति में लाना चाहते हैं, लेकिन सोफा बहुत भारी है। आप जब शुरू में धक्का लगाते हैं तो आप क्या पाएंगे? आप देखोगे कि कुछ भी नहीं हुआ, सोफा अपनी जगह से नहीं हिला। और अधिक बल लगाएंगे फिर भी सोफा नहीं गति में आ रहा। बच्चों सोफा क्यों नहीं बढ़ रहा? हमें यह पता ही है कि घर्षण इसका कारण है। इसे स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। इस स्थिति में आपके द्वारा लगाया गया बाहरी बल फर्श के द्वारा लगाए गए घर्षण बल को संतुलित कर देता है। यह घर्षण बल आपके द्वारा लगाए गए बल की विपरीत दिशा में कार्य करता है और बच्चों इसे ही स्थैतिक घर्षण बल कहा जाता है। एक आश्चर्य वाली बात यह है कि जितना बल हम लगाते हैं तो घर्षण बल उतना ही तेजी से कार्य करता है।
इसी कारण इसको स्व समायोजन बल भी कहा जाता है। लेकिन यदि हम बाहरी बल की मात्रा इतनी बढ़ा दें कि वे दो पृष्ठों के बीच में अंतबंधन को पार कर जाए तो सोफा गति में आ जाएगा। अब सोफे को गति में रखने के लिए आपको कम बल लगाना पड़ेगा। इस प्रक्रम द्वारा हमें पता चलता है कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पार पाने के लिए जो बाहरी बल लगाया जाता है वह स्थैतिक घर्षण की माप होता है। यद्यपि इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल में गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण का माप होता है। यह सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। इससे पता चलता है कि किसी वस्तु को गतिशील अवस्था में बनाए रखने के लिए जो घर्षण कार्य करता है उसे सर्पीशील घर्षण बल कहा जाता है। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में जान लेते हैं। आओ हम घर्षण बल को विस्तारपूर्वक जानें। इसके लिए हम एक क्रिया करते हैं। किसी मुलायम फर्श या किसी मेज पर कोई आनत समतल बनाइए। इसके लिए आप पुस्तकों के सहारे रखा कोई लकड़ी का तख्ता उपयोग में ला सकते हैं। आनत समतल के किसी बिंदु A पर पेन से कोई चिन्ह अंकित कर लीजिए, यानी कि एक बिंदु A बना लीजिए। अब कोई पेंसिल सेल इस बिंदु के नीचे लुढ़कने दीजिए। रुकने से पूर्व यह मेज से कितनी दूरी तय करता है इसे नोट कर लीजिए। अब मेज पर कोई कपड़ा बिछा दीजिए। बच्चों, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कपड़े में कोई भी सिलवट ना हो। अब पहले वाले बिंदु A से पेंसिल सेल को वापस से लुढ़काएं। पेंसिल सेल द्वारा तय की गई दूरी को अब फिर से नोट कीजिए। हम देखते हैं कि पेंसिल सेल की बाद में तय की गई दूरी पहले तय की गई दूरी से कम है। इससे हमें क्या पता लगता है? इसका अर्थ यह हुआ कि घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। बच्चों, ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं हो सकती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर धंस जाती हैं, जिन्हें अंतःबंधन कहा जाता है। यह अंतःबंधन घर्षण बल के रूप में कार्य करता है। इसलिए इस अंतःबंधन को तोड़ने के लिए हमें बाहरी बल लगाना पड़ता है। यदि पृष्ठ खुरदरी हो तो अंतःबंधन अधिक होने के कारण घर्षण बल भी अधिक होता है। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य। बच्चों, घर्षण बल हमारे लिए अनिवार्य होने के साथ साथ हानिकारक भी हो सकता है। आओ अब हम घर्षण बल के लाभ और हानियों दोनों को जानें और हम समझें कि यह हमारे लिए अनिवार्य है। घर्षण हमें सड़क पर चलने में सहायता करता है, परंतु अधिक चिकने या फिसलन भरे फर्श पर घर्षण कम होने के कारण चलने में कठिनाई आती है। इसी प्रकार बच्चों, जब आपके अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं तो ब्लैक बोर्ड का खुरदरा पृष्ठ घर्षण द्वारा चाक के कुछ कणों को अपने ऊपर उतार लेता है जो ब्लैक बोर्ड के साथ चिपक जाते हैं, जिस कारण आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई लिखावट दिखती है। इस प्रकार आप अपनी कक्षा में भी घर्षण के कारण ही पढ़ पाते हैं। घर्षण के कारण ही वस्तुएं निश्चित स्थान पर रुक जाती हैं। घर्षण के बिना कोई भी वाहन सड़क पर नहीं तो रुक सकता है, ना ही उसकी गति को प्रारंभ किया जा सकता है और ना ही दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। तो वाहनों के चलने के लिए भी घर्षण अति आवश्यक है। तभी आपने देखा होगा कि सड़कों को आमतौर पर खुरदरा बनाया जाता है। खुरदरे पृष्ठ के अंतःबंधन के कारण इमारतों का या भवनों का निर्माण संभव होता है। घर्षण के बिना किसी भी भवन का निर्माण हो ही नहीं सकता। तो आप समझ सकते हैं कि घर्षण नहीं होता तो कोई भी इमारत नहीं होती, यानी कि कुछ भी नहीं होता। दीवार में कील ठोकने के लिए भी घर्षण बल की आवश्यकता होती है। घर्षण रहित अथवा मुलायम पृष्ठ पर कील को ठोका ही नहीं जा सकता। घर्षण के बिना हम माचिस की तीली भी नहीं जला सकते। माचिस की डिब्बी की पृष्ठ भी खुरदरी होती है। जब हम माचिस की तीली को उस खुरदरी पृष्ठ पर घर्षित करते हैं तो यह आग पकड़ लेती है। इसी प्रकार बच्चों, घर्षण लाभदायक होने के साथ साथ हानिकारक भी होता है। हमारे जूतों के तले घर्षण के कारण ही घिस जाते हैं। घर्षण के कारण ऊर्जा का ह्रास भी होता है। घर्षण के कारण ऊर्जा ऊष्मा के रूप में
बदल जाती है और बर्बाद हो जाती है। घर्षण के कारण वस्तुएं घिसती हैं, जैसे कि पेच, बॉल बेयरिंग और कोई भी मशीन का हिस्सा। वाहनों के टायर भी अत्यंत घर्षण के कारण ही घिसते हैं। इससे हम कह सकते हैं कि घर्षण अनिवार्य तो है, परंतु हमारे लिए हानिकारक भी है। घर्षण को बढ़ाना या घटाना, आइए अब जानते हैं कि हम घर्षण को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। घर्षण को हम बहुत सारे तरीकों से बढ़ा या घटा सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जूतों की तली या वाहनों के टायर खांचेदार क्यों होते हैं? यह खांचे जूतों की फर्श के साथ और टायरों की सड़क के साथ पकड़ बनाने के लिए सहायक होते हैं। इस प्रकार आप चलते समय सुरक्षित रहते हो। घर्षण को बढ़ाने के लिए वाहनों के टायरों में ब्रेक पैड दिए जाते हैं। जब आप साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब हम ब्रेक के लीवर को दबा देते हैं तो यह पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना बंद कर देता है। आपने यह भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर बार बार मिट्टी रगड़ते हैं। वे ऐसा किस लिए करते हैं? वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को अच्छी तरह से कसकर पकड़ सकें और ऐसा करते हुए उनके हाथ न फिसलें। इसी तरह एक जिमनास्ट भी अपने हाथों पर पाउडर लगाते हैं। कई स्थितियों में घर्षण आवश्यक नहीं होता तो इसे हम कम करना चाहते हैं। आप सभी ने कैरम बोर्ड की गेम तो खेली ही होगी। आप कैरम बोर्ड खेलने से पहले इस पर महीन पाउडर डालकर घर्षण को कम करते हैं, ताकि स्ट्राइकर और कैरम बोर्ड की गीटियां आसानी से कैरम बोर्ड के सतह पर चल पाएं और आसानी से सरक सकें। कई बार दरवाजे को खोलना मुश्किल हो जाता है, तो हम दरवाजे के कब्जों में तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं ताकि घर्षण कम हो सके और दरवाजा आसानी से खुल सके। आपने साइकिल और मोटर के मैकेनिकों को मशीनों के गतिशील भागों के बीच ग्रीस लगाते हुए देखा होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो पुर्जे हैं वे आसानी से चल सकें। मशीनों में कार्य करने की दक्षता को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। वाहनों के पुर्जों में तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट आदि लगाने से उनमें मौजूद अंतबंधन काफ़ी कम हो जाता है और उनकी गति सहज हो जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेह कहा जाता है। कुछ मशीनों में स्नेह के रूप में तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गतिशील पुर्जों में वायु की गद्दी का भी प्रयोग किया जाता है। लोटन घर्षण, बच्चों हम सब अटैची तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जुड़े हुए देखते हैं। ऐसे भारी सामानों को कोई बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। ऐसा क्यों होता है, आइए पता लगाएं। बेलनाकार आकृति की कुछ पेंसिलें लीजिए। इन्हें मेज पर एक दूसरे के समांतर रखिए। अब इनके ऊपर एक मोटी पुस्तक रखिए। अब आप इन्हें धकेलने की कोशिश कीजिए। हम देखेंगे कि पुस्तक के गतिशील होने पर पेंसिलें लुढ़कती हैं। पेंसिलों की इस प्रकार की गति को लोटनिक गति कहा जाता है। जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को लोटनिक घर्षण कहा जाता है। लोटन घर्षण कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। यही कारण है कि रोलर जड़ कर सामान खींचना सुविधाजनक हो जाता है। इसलिए पहिए के आविष्कार को मानव जाति के महानतम आविष्कारों में गिना जाता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बेयरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। छत के पंखों तथा साइकिलों के धुरी के बीच बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है और यह इसके सामान्य उदाहरण है। आइए अब हम जानकारी ले लेते हैं तरल घर्षण के बारे में। बच्चों, क्या घर्षण केवल ठोस अवस्था में ही लगता है? नहीं, ऐसा आवश्यक नहीं है। घर्षण वायु तथा जल जैसे तरल पदार्थों में भी लगता है। तरल पदार्थों में उत्पन्न होने वाले इस घर्षण को तरल घर्षण कहा जाता है। ठोसों में लगने वाले घर्षण को ड्राई फ्रिक्शन कहा जाता है। पदार्थों की तीन मुख्य अवस्थाएं होती हैं, आप जानते ही हैं, ठोस, द्रव और गैस। गैसों और द्रवों को ही
तरल का नाम दिया गया है। ठोसों की तरह तरल भी अपने अंदर चलने वाली वस्तुएं या अपने ऊपर चलने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती हैं। क्या वायु भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाती है? जब हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं तो वह धरती पर वापस आ जाती है। क्या वायु ने किसी पत्थर के ऊपर या वस्तु पर प्रतिरोध लगाया जिसे कि हमने ऊपर की ओर फेंका? तो आप कहेंगे ऐसा तो कोई प्रतिरोध नहीं है क्योंकि धरती हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। परंतु आपकी जानकारी के लिए वायु भी उस वस्तु पर प्रतिरोध लगाती है, हालांकि यह प्रतिरोध या घर्षण बहुत कम होता है, परंतु फिर भी यह हमेशा मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या जल भी वस्तुओं पर घर्षण लगाता है? जी हाँ, जब कोई मछली जल में तैरती है तो उसके ऊपर जल द्वारा घर्षण बल लगता है, जिसे तरल घर्षण या कर्षण भी कहा जाता है। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। इसे इंग्लिश में ड्रैग कहा जाता है। आओ बच्चों, अब देखते हैं कि तरल द्वारा लगाया गया कर्षण यानी कि घर्षण बल किसी वस्तु पर निर्भर करता है तो कैसे। यह घर्षण बल तरल के स्वभाव, उस वस्तु की तरल में सापेक्ष गति अथवा उस वस्तु की आकृति पर भी निर्भर करता है। इन सब को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। किसी वस्तु ने किसी निश्चित बिंदु A से B तक वायु में दूरी तय करनी है और इसी वस्तु को यह दूरी जल में भी तय करनी है। दोनों स्थितियों में क्या आप बता सकते हैं कि किस परिस्थिति में कर्षण अधिक था, जल में या वायु में? स्पष्ट है कि जल में अधिक प्रतिरोध लग रहा है। जितनी अधिक तरल की सघनता होगी उतना अधिक कर्षण होगा। कर्षण यानी कि तरल घर्षण को प्रभावित करने वाला एक कारक है वस्तु की आकृति। इसीलिए वस्तुओं को विशेष आकृति दी जाती है। बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज की आकृति पक्षी जैसी ही क्यों होती है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कर्षण को कम किया जा सके। बच्चों, आप सोचिए, यदि हवाई जहाज घनाभाकार होता तो क्या होता? कर्षण इतना अधिक होता कि हवाई जहाज उड़ भी नहीं पाता, यदि उड़ता भी तो बहुत अधिक ईंधन लगता। इसी प्रकार अगर हम किसी मछली की बात करें तो मछली की आकृति और आकार भी किसी विशेष तरीके और विशेष प्रकार का होता है। प्रकृति ने भी इसे ऐसा ही बनाया है ताकि कर्षण को कम किया जा सके। इन सब बातों से हम यह कह सकते हैं कि कर्षण वस्तु की आकृति, चाल और उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। आइए अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं उसकी दोहराई कर लेते हैं। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बाहरी बल का विरोध करता है। घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होती है। किसी वस्तु को खुरदरा बनाकर घर्षण को बढ़ाया जा सकता है। जूते के तले और वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। घर्षण कम करने के लिए हम स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं। स्नेहक के रूप में हम तेल, ग्रीस और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। पहिए घर्षण को कम कर देते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण कहा जाता है। बच्चों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा और आशा करता हूं कि आप उनके उत्तर दे पाएंगे। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं जो कि मैं आपसे पूछने वाला हूं। पहला प्रश्न इस प्रकार है, खिलाड़ी कीलदार जूते क्यों पहनते हैं? तो इसका उत्तर है, खिलाड़ी कीलदार जूते इसलिए पहनते हैं ताकि वे घर्षण बल को बढ़ा सकें। ऐसा करने से उन्हें दौड़ने में और ग्राउंड के ऊपर ग्रिप बनाने में सहायता मिलती है। अब कुछ रिक्त स्थान, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान, घर्षण कभी भी पूर्ण रूप से यह नहीं हो सकता। इसके विकल्प हैं नियमित, समाप्त। तो सही उत्तर है, घर्षण कभी भी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो सकता। मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाकर घर्षण को यह किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है, मशीनों में बॉल बेयरिंग लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से
किस पृष्ठ के ऊपर वस्तु पर घर्षण बल सबसे अधिक लगेगा? आपके पास चार विकल्प हैं। इन चार विकल्पों में से एक विकल्प को चुनिए। पहला विकल्प चिकनी सतह, दूसरा विकल्प रेतीली सतह, तीसरा विकल्प अखबार यानी कि समाचार पत्र, चौथा विकल्प जल। तो बच्चों, इसका उत्तर है रेतीली सतह में सबसे ज़्यादा घर्षण बल होगा। बच्चों, लोटनिक, स्थैतिक और सर्पी घर्षण को घटते क्रम में लिखिए। तो इसका सही उत्तर है सबसे अधिक घर्षण होगा स्थैतिक घर्षण में, उससे कम घर्षण होगा सर्पी घर्षण में, और सबसे कम घर्षण होगा लोटनिक घर्षण में। आखिरी प्रश्न, क्या आप बता सकते हैं सभी वाहनों के डिज़ाइन किस प्रकार बनाए जाते हैं, यानी कि वाहनों के डिज़ाइन कैसे तैयार किए जाते हैं, क्या सोचकर तैयार किए जाते हैं? इसका सही उत्तर है सभी वाहनों के डिज़ाइन इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि तरल घर्षण को कम किया जा सके। इसी के साथ हमारा अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपने अध्याय को भलीभांति समझ लिया होगा। अब आप इस अध्याय को अपनी पाठ्य पुस्तक में से भी पढ़िए और अभ्यास के दिए प्रश्नों को हल करने की कोशिश कीजिए। बच्चों, घर्षण के बारे में आप इंटरनेट पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, तो आप घर्षण के बारे में और अधिक जानकारी भी प्राप्त करिए और उसे भी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। बच्चों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।